हेलो फ्रेंड्स, टेक इन ओरल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अमेजॉन फाइव टीवी स्टिक का अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका सेटअप और इसका ओवरव्यू करेंगे। अमेजॉन फाइव टीवी स्टिक एक ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस है, मतलब इस डिवाइस को इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन पे वीडियोस देख सकते हो और म्यूजिक भी सुन सकते हो। वीडियोस और म्यूजिक सुनने के अलावा ब्राउजिंग भी कर सकते हो। ब्राउजिंग करने के लिए इस डिवाइस में फायरफॉक्स ब्राउजर अवेलेबल है और सिल्क ब्राउजर अवेलेबल है। उसके साथ साथ थोड़े बहुत गेम्स भी दिए गए हैं, उस गेम्स को आप खेल सकते हो। ये डिवाइस बेसिकली आपके टीवी के HDMI पोर्ट को कनेक्ट होकर काम करता है। डिवाइस देखने के लिए कुछ ऐसा पेनड्राइव के जैसा दिखता है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। इस डिवाइस को आप अपने टीवी के HDMI पोर्ट को लगाना होता है। जैसा कि मार्केट में एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस अवेलेबल है, वैसे ही अमेजॉन फायर टीवी स्टिक भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है, लेकिन इसका UI जो है फायर टीवी UI कहते हैं। लेकिन इस डिवाइस में गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हम लोग एडिशनल एप्लीकेशन कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। इस डिवाइस में थोड़े प्री सेलेक्टेड एप्लीकेशन अवेलेबल रहते हैं इंस्टॉल करने के लिए, मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन अवेलेबल है, ऐसे ही ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए कुछ और एप्लीकेशन अवेलेबल है। लेकिन ब्राउजर्स तो दो ही ब्राउजर्स अवेलेबल है, सिल्क ब्राउजर और फायरफॉक्स ब्राउजर। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बाई डिफॉल्ट ये अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ आता है, ऐसे ही म्यूजिक के लिए अमेजॉन प्राइम म्यूजिक के साथ आता है। और इसके अलावा हमको दूसरे एप्लीकेशन मिलते हैं लाइक सोनी लिव, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन मिलते हैं। और ऑडियो के लिए गाना, ऐसे दूसरे एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप हो तो ये डिवाइस आपको अच्छा काम में आएगा, मतलब आप अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ को आप डायरेक्टली आपकी टीवी पर देख सकते हो। लेकिन इस डिवाइस में आप अमेजॉन प्राइम वीडियोज डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके हार्डवेयर के बारे में बात करोगे तो इसका चिपसेट आके मीडियाटेक ARM 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इसका GPU आके Mali 450 है। इसका बिल्ट इन स्टोरेज आके 8GB है और RAM 1GB है। और ये ब्लूटूथ 4.1 को सपोर्ट करता है और ये डिवाइस वाईफाई को कनेक्ट होकर काम करता है। वाईफाई डुअल बैंड को सपोर्ट करता है और इस डिवाइस को आप LAN से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट अडाप्टर खरीदना होता है। और इसका रिमोट भी थ्रू ब्लूटूथ ही काम करता है। और ये डिवाइस स्क्रीन मिररिंग को सपोर्ट करता है, मतलब आप मोबाइल का स्क्रीन जो है डायरेक्टली आपके टीवी के ऊपर देख सकते हो। ये डिवाइस से आप अप टू फुल HD देख सकते हैं। ये डिवाइस 4K वीडियोस को सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए सेपरेट डिवाइस है। US में लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और एक बात है, ये डिवाइस डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। ये एक अच्छी बात है, अगर आपके पास होम थिएटर हो तो बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने के लिए मिलता है। ये डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए दो मेन चीज रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आके आपके पास HDMI पोर्ट वाला टीवी रहना चाहिए, और दूसरा रिक्वायरमेंट है मिनिमम इंटरनेट स्पीड 4 Mbps रहना चाहिए, अदरवाइज इसके अंदर फुल HD स्ट्रीमिंग ठीक से नहीं चल पाएगा। ये दो है मेन रिक्वायरमेंट्स इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए। अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में सेटअप और उसके बाद में इसको यूजर इंटरफेस चेक करेंगे और इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन टेस्ट करके देखेंगे। अमेजॉन फायर टीवी स्टिक का बॉक्स कुछ इसी तरह से रहता है। यहाँ पर फायर टीवी स्टिक करके लिखा हुआ है विथ वॉइस रिमोट। इसका रिमोट जो है वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर अमेजॉन लोगो देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है अमेजॉन का प्रोडक्ट है और ये सारे एप्लीकेशन इस डिवाइस को सपोर्ट करते हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉट स्टार, वोट, सोनी लिव, ये सारे एप्लीकेशन को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। यहाँ पर यूट्यूब ऐप को मैंशन नहीं किया गया है। जनवरी 2018 से उस ऐप को फायर टीवी स्टिक से हटा दिया गया है, लेकिन यूट्यूब जो है थ्रू ब्राउजर चलेगा। यहाँ पर उसके कुछ फंक्शनलिटीज़ दिए गए हैं। फर्स्ट वॉइस सर्च है, मतलब आपके वॉइस से सर्च कर सकते हो। ये डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, ये ड्यूअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है और फुल HD फॉर्मेट 1080p को सपोर्ट करता है। ये क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है। यहाँ पर वाट्स इंक्लूडेड करके लिखा हुआ है, मतलब ये बॉक्स के अंदर क्या क्या आते हैं। अमेजॉन फायर टीवी स्टिक, वॉइस रिमोट, 2 AAA बैटरीज, पावर अडाप्टर, USB केबल और HDMI एक्सटेंडर केबल। नेक्स्ट वाट्स नीडेड, क्या क्या चाहिए डिवाइस चलने के लिए। हाई स्पीड इंटरनेट विथ वाईफाई, मिनिमम 4 Mbps का स्पीड चाहिए, अदरवाइज आपको बफरिंग देखने के लिए मिलता है। और HDTV विथ HDMI इनपुट, एक हाई डेफिनेशन टीवी चाहिए HDMI इनपुट के साथ। और इस डिवाइस को इस्तेमाल करके आपके पुराने LED टीवी को स्मार्ट टीवी के जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करेंगे। फर्स्ट इसको हटा देंगे। हटा देने के बाद बॉक्स ओपन कर देंगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉक्स है, इसको बाजू में रख देंगे। यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया गया है, तो सेटअप गाइड और
यूजर मैनुअल तो बाजू में रख देते हैं। ये HDMI एक्सटेंडर केबल है। नॉर्मली टीवी के HDMI पोर्ट के पास ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, आपको वहाँ पर कुछ HDMI डोंगल लगाना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, उस वक्त ये एक्सटेंडर केबल जो है बहुत इस्तेमाल में आता है, इसको बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट माइक्रो USB 2 USB केबल मिलता है पावर सप्लाई के लिए। यह पावर एडाप्टर है, यहाँ पर अमेजन लोगो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट दो AAA बैटरीज मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये मेन अमेजन फायर TV स्टिक है, इसको बाजू में रख देंगे। नेक्स्ट आता है रिमोट, इसको कवर हटा देंगे। ये ब्लूटूथ रिमोट है, यहाँ पर वॉइस सर्च ऑप्शन दिया गया है, ये नेविगेशन बटन से, ये होम बटन, मेनू बटन और रिटर्न बटन, ये वीडियो प्ले करने के लिए पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड बटन से पूरे, ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अब हम इसमें बैटरीज रख देंगे, ये अमेजन ब्रांडिंग बैटरीज है। तो बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं, तो एक HDMI एक्सटेंडर और माइक्रो USB 2 USB केबल, पावर एडाप्टर और फाइनली अमेजन फाई TV स्टिक। ओपन कर लेते हैं। इस डिवाइस को आपके TV के HDMI पोर्ट को लगाना होता है, माइक्रो USB पोर्ट है पावर एडाप्टर के लिए, तो इस कुछ इसी तरह से लगा के इसको पावर सॉकेट में लगाना होता है। अब हम इस डिवाइस का सेटअप देखेंगे। HDMI पोर्ट को कनेक्ट कर दिया फाई TV स्टिक को, अब हम सेटअप करना होता है। सेटअप करने के लिए आपके रिमोट में होम बटन को प्रेस करना होता है। अब मैं होम बटन को प्रेस कर रहा हूँ। होम बटन प्रेस करने के बाद में प्ले बटन को प्रेस करना होता है रिमोट में, तो प्ले बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पर हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करना होता है, तो मैं इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स, यहाँ पर हमको अपना वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड देना होता है। अब ये वाईफाई को कनेक्ट हो रहा, यहाँ पर याद रखना चाहिए कि वाईफाई कनेक्शन का स्पीड अच्छा रहना चाहिए, अदरवाइज ये डिवाइस ठीक से नहीं काम करेगा। ये नॉर्मल TV है, ये स्मार्ट TV नहीं होता। ये डिवाइस जब भी आप खरीदते हो आपके अमेजन अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अगर आप अकाउंट चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज माई अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं सेम अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सेव वाईफाई पासवर्ड टू अमेजन SRNO, मैं तो नो कह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग पेरेंटल कंट्रोल्स इनेबल कर सकते हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल्स क्या है, आप इसके एक पासवर्ड सेट कर सकते हो, कुछ भी वीडियो प्ले करने से पहले आप उस पासवर्ड को देना होता है। मैं फिलहाल तो नो पेरेंटल कंट्रोल्स कर रहा हूँ। ये शुरुआत में छोटा सा डेमो आ जाएगा। ये रिमोट में डिसएडवांटेज ये है कि वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं है, आप वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए TV के रिमोट को इस्तेमाल करना होता है। और फाई TV रिमोट ऐप एंड्रॉयड और iOS पे फाई TV रिमोट ऐप मिल जाएगा, आप अपना मोबाइल फ़ोन में उसे ऐप को इंस्टॉल करके इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। और अब हमको ऐप्स को इंस्टॉल करना होता है। गेट स्टार्टेड, यहाँ पर हमको जो भी ऐप्स चाहिए उसे ऐप्स को सेलेक्ट करना होता है। मैं हॉटस्टार सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बहुत सारे ऐप्स है, जो भी ऐप्स चाहिए वो ऐप्स को सेलेक्ट करके फायरफॉक्स, किड्स फर्स्ट, जो भी ऐप्स चाहिए उसे ऐप्स को सेलेक्ट करना होता है। एंड देन प्ले बटन को प्रेस करना होता है। अब हम फिनिश बटन प्रेस करना है। यहाँ पर इनेबल डेटा मॉनिटरिंग सेटअप लैटर कर रहा हूँ मैं। ये सारे ऐप सब इंस्टॉल हो जाएंगे। डिवाइस सेटअप कंप्लीट हो गया। फाई TV स्टिक का होम स्क्रीन है ये। अब हमारा नॉर्मल TV स्मार्ट TV में को कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल TV का स्क्रीन जो है स्मार्ट TV स्क्रीन में बदल गया। आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पे हमको बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देते हैं। जो पहला सेक्शन है रिसेंट सेक्शन, ये रिसेंट सेक्शन में हम जो भी रिसेंट मूवीज देखे या रिसेंट एप्लीकेशंस इस्तेमाल करे वो सारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट योर ऐप्स एंड गेम्स सेक्शन, यहाँ पे सारे ऐप्स और गेम्स दिखाई देते हैं। CL में जाके देखोगे तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं या लॉन्च भी कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ वो एप्लीकेशन के आइकन पर क्लाउड मार्क दिखाई देगा, जैसा नेटफ्लिक्स पे दिखाई दे रहा, मतलब ये एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल हुआ। अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो तो कुछ भी क्लाउड मार्क नहीं दिखाई देगा, जैसा म्यूजिक में हमको कुछ भी मार्क नहीं दिखाई दे रहा।
यहाँ से हम लोग पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूट्यूब दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यूट्यूब एप्लीकेशन नहीं होता ये। देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन से ब्राउजर से यूट्यूब को ओपन करना है। यहाँ पर हम लोग सिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं या फायरफॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फायरफॉक्स ओपन करेंगे तो फायरफॉक्स में अब यूट्यूब लॉन्च होगा। हम लोग कुछ सैम्पल वीडियो प्ले करके देखेंगे, क्वालिटी कैसा रहा देखेंगे। चलिए हम लोग एक कार्टून प्ले करके देखेंगे। मैं वॉल्यूम को म्यूट कर दिया। यह डिवाइस डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। सो यहाँ देख सकते हैं कि क्वालिटी जो है फुल एचडी क्वालिटी आ रहा। अब हम क्वालिटी को चेक करेंगे। सो मोर ऑप्शंस में जाके चेक करोगे तो क्वालिटी ऑटो 1080p करके दिखा रहा, मतलब फुल एचडी को सपोर्ट कर रहा। सो ऐसे ही सर्च भी कर सकते हैं, सर्च आइकन पे जाके यहाँ पर जो चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आके लेटेस्ट मूवीज़, ये सारे मूवीज़ जो है अमेजन प्राइम से दिखाई दे रहे। अमेजन प्राइम के लिए सेपरेट से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्ट इन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक मूवी प्ले करके देखेंगे, क्वालिटी कैसा रहा चेक करेंगे। सो वॉच नाउ विथ प्राइम, इसके लिए आपको अमेजन प्राइम मेंबरशिप होना चाहिए। तो फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं रिमोट के इस्तेमाल करके। मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फुल एचडी क्वालिटी है। वीडियो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर ऐप्स एंड गेम सेक्शन दिखता है, ऐसे टॉप मूवी सेक्शन दिखता है, प्राइम ओरिजिनल सीरीज सेक्शन दिखता है, लेटेस्ट टीवी सेक्शन और गेम्स भी मिल जाते हैं। अब हम लोग ऊपर के डिफरेंट टैब्स देखेंगे। लेफ्ट साइड पे सर्च आइकन दिखेगा, हम लोग टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं या थ्रू वॉइस कमांड भी सर्च कर सकते हैं। फाइव टीवी स्टिक का रिमोट जो है वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है सर्च के लिए। थ्रू वॉइस कमांड सर्च करने के लिए रिमोट में वॉइस कमांड बटन को प्रेस करके कमांड देना होता है। देखिए सुल्तान, अब मैं सुल्तान को सर्च करा, सुल्तान आ गया। और एक सर्च करेंगे स्पाइडरमैन 2, तो स्पाइडरमैन 2 आ गया। इसी तरह से हम लोग थ्रू वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवी सेक्शन, यहाँ पे सारे मूवीज दिखाई देंगे, पूरे लैंग्वेजेस के मूवीज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टीवी शोज सेक्शन, यहाँ पे सारे टीवी शोज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ऐप सेक्शन में जाओगे तो यहाँ सारे ऐप्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट गेम सेक्शन, सारे गेम्स दिखाई देते हैं, यहाँ से गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स में जाके देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आके नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क ऑप्शन, नेटवर्क सेटिंग्स में जाओगे तो जो भी अवेलेबल वाईफाई कनेक्शन है वो दिखाई देते हैं। यहाँ से हम लोग प्रेजेंट नेटवर्क का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले एंड साउंड्स में जाके चेक करेंगे, यहाँ पर हमको स्क्रीन सेवर ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट ऑडियो, इसमें डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट करता है। एनेबल डिस्प्ले मिररिंग, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन जो है इस डिवाइस पे मिररिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सेक्शन, यहाँ से हम लोग प्रेजेंट इंस्टॉल एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, मतलब जो भी इंस्टॉल एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस, यहाँ से हम लोग ब्लूटूथ कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी अमेजन फाइव टीवी रिमोट ये कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ गेम कंट्रोलर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस, मतलब ब्लूटूथ कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेफरेंसेस मिलते हैं और डिवाइस एक्सेसिबिलिटी और माय अकाउंट, ये सेक्शन में अमेजन अकाउंट की डिटेल्स दिखाई देते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास अमेजन प्राइम मेंबरशिप हो तो, क्योंकि अमेजन प्राइम वीडियो में आजकल बहुत सारे नए मूवीज आ रहे, सो मूवीज़ पूरे हम लोग बड़े टीवी पे देख सकते हैं। सो गूगल क्रोम कैस्ट और अमेजन फाइव टीवी के बीच में डिफरेंस ये है कि अमेजन फाइव टीवी में हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वही गूगल क्रोम कैस्ट में आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपके मोबाइल से स्ट्रीम करना होता है। लेकिन फाइव टीवी स्टिक में आपके मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये है डिटेल्स अमेजन फायर टीवी स्टिक के बारे में। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लगाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।